गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? चलिए स्टार्ट करें हम पढ़ाई। कल मैंने आपको एक नई कविता का अभ्यास करवाया था। वो कविता कौन सी थी? फूल, ठीक है। और एक व्यंजन च, उसका भी अभ्यास कराया था। कुछ चित्र भी दिखाए थे और व्यंजन च लिखना भी सिखाया था। लेकिन उससे पहले आज हम जो आपको लास्ट टाइम मैम ने दो कविताएं याद करवाई थी, पहली थी प्रार्थना और दूसरी थी छोटी सी मुन्नी, आज हम उसका भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले उन दोनों कविताओं का रिवीजन करेंगे। चलिए, पहली थी प्रार्थना। प्रार्थना, हे भगवान तुझे प्रणाम, हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हम हैं सच्चे, हे भगवान तुझे प्रणाम, पढ़ लिख कर हम योग्य बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे, नित्य बढ़ेंगे बड़े चलेंगे, तो वरदान हे भगवान तुझे प्रणाम। ये वाली कविता आपको अच्छे से याद है। दूसरी है छोटी सी एक मुन्नी, ठीक है। नन्ही छोटी सी एक मुन्नी है, नन्ही छोटी सी एक मुन्नी है, लाल लाल उसकी चुन्नी है, तिल्ले वाला उसका सूट, काले काले उसके बूट, नर्सरी में पढ़ती है, सबको टाटा करती है। ये कविताएं आपको बहुत अच्छे से याद हैं और जिसको याद भी नहीं होगी उसे भी अच्छे से याद हो गई होगी। अब मैंने आपको कल एक न्यू कविता लर्न कराई थी, ठीक है। वो कौन सी थी? फूल। उसका भी हम एक बार अभ्यास कर लेते हैं। फूल फूल तुम कितने अच्छे, फूल फूल तुम कितने अच्छे, तुम्हें प्यार करते हैं बच्चे, तुम्हें प्यार करते हैं बच्चे, रंग तुम्हें दे जाता कौन, रंग तुम्हें दे जाता कौन, इत्र छिड़क महकाता कौन, इत्र छिड़क महकाता कौन, पतला हो तो उसका नाम, पतला हो तो उसका नाम, करे सदा जो अच्छे काम, करे सदा जो अच्छे काम। ये तीनों कविताएं आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। फूल में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी क्योंकि अभी मैम ने ये वाली कविता स्टार्ट कराई है, लेकिन मैम आपको इसका भी डेली अभ्यास करवाएंगे। चलिए, अब कविता के बाद हम कल जो हमने व्यंजन चा सीखा था आज हम उसका भी अभ्यास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि व्यंजन चा के कई चित्र होते हैं, हम कई चित्रों के द्वारा व्यंजन चा की पहचान कर सकते हैं। जैसे च से चम्मच, च से चश्मा, च से चुन्नी, च से चादर, मम्मा बेडशीट बिछाती हैं बेड पर वो वाली चादर, च से चादर, च से चटाई, च से चरखा, है ना। इसके कई सारे इतने चित्र हैं च के कि आप इन चित्रों को देखकर च व्यंजन को पहचान सकते हैं। तो मैम ने आपको कल च व्यंजन बनाना भी सिखाया था। च व्यंजन में आपको मैम ने ये लाइन खींचते हुए ऐसे सीधी लाइन, इसको यहाँ से यूँ घुमाते हुए ऊपर ले जाना है और एक सीधी लाइन खींच देनी है, तो आपका व्यंजन च बन जाएगा। फिर से बनाते हैं, सीधी लाइन इसको यूँ करते हुए एक सीधी लाइन च, च। मुझे लगता है सारे बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में बना रहे हैं च अभ्यास, च व्यंजन का अभ्यास भी कर रहे हैं। और लास्ट टाइम मैम ने आपको जो व्यंजन क से ड़ तक करवाए थे उनका भी डेली अभ्यास हो रहा होगा। चलिए, आज मैं आपको च व्यंजन, मैंने जैसे यहाँ पे कुछ व्यंजन लिखे हैं, देखिए यहाँ मैंने क बना दिया, क, फिर मैंने यहाँ च बना दिया, यहाँ ख बना दिया, यहाँ ग गमला बना दिया,
फिर मैंने यहाँ च बना दिया, यहाँ घ से घड़ी बना दिया, च से फिर चम्मच वाला च बना दिया, और यहाँ पे फिर से क बना दिया। अब मैं आपसे ये बोलूँगी कि इसमें जितने भी च व्यंजन हैं आपको उस पर गोला लगाना है, मतलब सर्कल लगाना है। सर्कल आपको मैम ने सिखाया है, तो आपको देखना है ये व्यंजन क है, मैम बोल रही है आपको सिर्फ च पे गोला लगाना है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। ये कौन सा व्यंजन है? च। कौन सा व्यंजन है? च। फिर हम देखेंगे, अरे ये तो ख खरगोश है, ये ग गमला है, लेकिन यहाँ कौन सा व्यंजन आ गया फिर से? च चम्मच। तो फिर से हम यहाँ पर गोला लगाएंगे, क्योंकि मैम ने बोला है इनमें ये सारे व्यंजन में आपको सिर्फ च व्यंजन पर ही गोला लगाना है। अब फिर यहाँ देखा हमने, ये घ से घड़ी है, इस पर हमें गोला नहीं लगाना है, क्योंकि मैम ने तो च से चम्मच पर गोला लगाने के लिए बोला है, तो आपको इस च से चम्मच पर भी गोला लगाना है। ये हो गया, यहाँ पर हमने व्यंजन, कुछ व्यंजन लिखे हैं जैसे क, ख, ग, घ, और बीच बीच में मैम ने ये च चम्मच वाला च भी बना दिया है, और मैम ने आपसे बोला है कि च व्यंजन पर आपको गोला लगाना है, तो आपको ये सारे व्यंजनों में से सिर्फ च चम्मच वाले पर ही गोला लगाना है। च व्यंजन पर हमने गोला लगा दिया, ठीक है, आपको ये समझ में आया। इससे हमें ये पहचान हो गई कि ये च है, मैम ने सिर्फ च में च से चम्मच वाले व्यंजन पर ही गोला लगाने को बोला था, तो आपने उस पर ही गोला लगाया। आपको ये भी अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है और ऐसे ही इस पर गोला लगाना है, ठीक है। अब कल मैं आपको इसके बाद जो व्यंजन जैसे क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अड़ा खाली और च चम्मच के बाद जो व्यंजन आता है वो है छ से छाता। छ से छाता कल मैं आपको छ से छाता का अभ्यास कराऊंगी, कुछ चित्र भी दिखाऊंगी छ से छाता के, और छ व्यंजन का अभ्यास भी कराऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको च व्यंजन का बार बार लिखकर अभ्यास करना है, और जो आज नई कविता फूल वो करवाइए उसका भी अभ्यास करना है, और लास्ट टाइम आपको मैम ने जो कविताएं याद करवाई थी उनको भी भूलना नहीं है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हम घर में भी नहीं पढ़ेंगे, आपको घर में अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको यदि कुछ नहीं आ रहा है, मम्मा है, पापा है, या आपके कोई बड़ी दीदी, बड़े भाई जो भी हैं उनसे पूछना है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई आपको करना है, ओके। चलिए, बाय।